लिधरा के ग्राम मरगुआ खिरक सिद्ध बाबा के पास विगत 14 जनवरी की दरमियानी रात प्रकाश उर्फ शुक्ली कुशवाहा उम्र 28 साल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा हुआ है। मृतक खेत पर गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था कि रात के समय दो अज्ञात चोर आए एवं उसके खेत पर रखे बोरवेल के पाइप ले जाने लगे। विरोध करने पर भिड़ंत हो गई एवं उसके द्वारा पहचान लेने की बात कही गई। यह सुनकर दोनों आरोपियों ने उसकी धारदार ब्लेड चाकू से हत्या कर दी और फरार हो गए। इधर पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई एवं जांच पड़ताल में लग गई। घटना होने से इधर गांव में माहौल खराब होने लगा, क्योंकि पूर्व में भी यहां हत्या हो चुकी है, लेकिन आज तक लिधोरा पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। फिलहाल मामला कुछ भी हो, यह घटना होने से इन आरोपियों ने पुलिस को तो चुनौती दे ही दी, फिर क्या था, पुलिस ने अपनी गोटियां फिट की और आखिरकार पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के मार्गदर्शन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 14 तारीख को ग्राम मरगवा में कमलेश कुशवाहा के खेत पे एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान हुई थी प्रकाश शुक्ली, उम्र लगभग 26 साल थी, जिनके पिता कैलाश कुशवाहा थे। और इसके जैसे ही सूचना डायल 100 के माध्यम से प्राप्त हुई थी थाने पे, उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के TI साहब तत्काल मौके पे पहुंचे थे, मैं पहुंचा था, और साथ ही साथ जो FSL टीम है, डॉग स्क्वाड है हमारा, सारी टीम वहाँ पर पहुँची थी। मौके का बहुत ही विस्तृत रूप से हमने उसका अध्ययन किया था कि कहाँ पर क्या एविडेंस हमें प्राप्त हो सकते हैं। SP साहब के मार्गदर्शन में इसमें टीम गठित की गई थी, आपको ये भी जानकारी है। और तत्काल वहाँ पे जैसे ही जो मृतक है उनके पिता की रिपोर्ट पे हमने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया था 302 का। जो वो व्यक्ति है उसको किसी धारदार हथियार से उसका गला काट के अज्ञात आरोपियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। ये था आरोपी, कहाँ से गिरफ्तार? कल रात को हमें 12 बजे के लगभग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। ये लोग वैसे संदेहियों की सूची में हमारे थे, मुखबिरों से हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग किसी खेत में बैठे हुए हैं। तत्काल टीम बना के रवाना की गई अलग अलग थाना प्रभारियों के नेतृत्व में। इसके बाद में चूंकि कोहरा ज़्यादा था तो सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है, और हमने इनको पकड़ के घेर के पूछा तो पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर जब वैज्ञानिक विधि से और भी अलग तरीके से इनसे पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई है और इन लोगों ने इसमें हत्या करना दोनों ने स्वीकारा है। जी हाँ, इनके पास से घटना में जो इनने तरीका है वारदात थी उसमें इनने चाकू से ब्लेड से हत्या की है, और उसमें से एक जो आरोपी है उसके पास से अवैध कट्टा भी जिंदा कारतूस के साथ में बरामद हुआ है। इन्होंने और पहले कोई अपराध किया है? पहले इन्होंने और भी पाइप चोरी के असफल प्रयास किए हैं। यूजली ये लोग चोरी करने का प्रयास करते रहते थे, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए थे। उसमें से इन लोगों के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं। आरोपी कितने हैं? टोटल 2 आरोपी हैं। आगामी योजना क्या है सर क्राइम रोकने के लिए? क्राइम रोकने के लिए यही है कि सघन गश्त की जाएगी। जैसा कि अभी गांव वालों को भी हमने आश्वस्त किया है कि आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है आप तत्काल थाने में सूचना दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मेरा नंबर, CUG नंबर हमने उनसे साझा किया है, हमें बता सकते हैं। हमारे पास डायल 100 है, SP साहब का नंबर है, सारे नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो उनको सूचना देंगे तो उससे अपराध में हम और डिटेक्ट कर पाएंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।